इसने बहुत मेहनत करी ना, तूने बहुत मेहनत करी है ना, इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, क्या डर क्या रहा है बोलना, यही खुश हो रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सारे मस्त फिट मजे में हो। अभी तक तो सबने देख लिया होगा फंक्शन का व्लॉग, बहुत लोगों ने बनाया था, मैंने भी बनाया था। मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फोन दिवेश और निखिल के हाथ में था, तो मेरे को चाहिए मैं इंजॉय करूँ, मैं डांस वांस करूँ, बट व्लॉग भी जरूरी था, तो मैंने उनको बोला हुआ था क्लिप्स रिकॉर्ड कर लें। तो थैंक यू सो मच दिवेश, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ, दिवेश ने भी रिकॉर्ड किया है, निखिल ने भी रिकॉर्ड किया और कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी रिकॉर्ड किया, सबको थैंक यू सो मच, अदरवाइज कुछ मैं अपलोड नहीं कर पाती। भाई तेरी स्नैप खोल खोल देखता है। हमें बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं यार लोगों को उतना मजा आएगा नहीं आएगा, लोग एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट बहुत 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 ज्यादा मजा आया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा फैमिली फंक्शन ऐसा होगा, पहला फैमिली फंक्शन था, प्लस होस्ट भी मैं और पर्व कर रहे थे तो नर्वस होना बनता था, बट बहुत डांस किया भाई, पर्व ने भी डांस किया है, मेरा तो छोड़ो ही, मेरे तो ऐसे हालात हुए हैं डांस करते करते कि मेरी एक फोटो नहीं है, सिंगल सोलो फोटो नहीं है मेरे पास एक भी, इतनी मेहनत से मैंने अच्छा अच्छा मेकअप करवाया, आउटफिट लिया, बट कोई फोटो नहीं है, बट कोई बात नहीं, लोगों के साथ बहुत फोटोज हैं, अभी बहुत क्लिप्स नहीं डली हैं, कैमरा वाली आएंगी तो उसके बाद मैं अपलोड करूंगी जब वो प्रॉपर एडिट होकर आ जाएंगी, बट मजा आया, मतलब बहुत मजा आया, मेरा वो हैंगओवर उतर ही नहीं रहा। बस एक और चीज हुई है कि हम इतने मजे में डूब गए थे कि हम भूल गए कि हमें केक भी कटवाना है। मैंने स्पेशली केक ऑर्डर करवाया था बहुत मन से, खुद डिजाइन चूज करके, बट क्योंकि मैं भूल गई तो पर्स भी भूल गया, पापा मम्मी भी भूल गए, तो केक ही नहीं कटा। तीन चीजें सोची थी हमने कि हम रिंग सेरेमनी करेंगे, जयमाला करेंगे, जयमाल करेंगे, जयमाल बोलते हैं, जयमाल वो करेंगे, एंड तीसरा केक कटिंग करवाएंगे लास्ट में, फिर डांस स्टार्ट करेंगे, बट भूल गए, तो केक अब कटेगा घर पर आके, बट कोई बात नहीं है, मतलब ये भी ठीक है, बट नहीं कर सकते हैं, अब काटेंगे केक हम, बिल्कुल माइंड से हट गया, दिमाग में नहीं आए, इतने लोग थे, मैं इतने नए, मतलब पता है मैं ना सबसे पहली बार, बहुत लोगों से मैं पहली बार ही मिली थी, मैं बहुत कम लोगों से पहले मिली हुई हूँ एस सी टेबल के, बट सारे इतने स्वीट थे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिली, फील ही नहीं होने दिया किसी ने कि मैं सबसे पहली बार मिली हूँ, तो मुझे बहुत मजा आया गाइस, पता है एक बार काउंट करना मैंने कितनी बार बोला है बहुत मजा आया, पर मजा तो आया, बट एक ना एक पता नहीं मोमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जब मम्मी पापा की वो जयमाला पहना रहे ना एक दूसरे को, तो मैं पर दो मिनट तक एक दूसरे को देख के ना हम दोनों के आंखों में आंसू थे, दोनों के आंखों में, बट क्योंकि बहुत इमोशनल सा मोमेंट हो रखा था, हम दोनों भी सोचते थे कि हंस भी रहे थे और आंखों में आंसू भी थे, तो वो मोमेंट मुझे याद रहेगा, पता नहीं वो कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है, बट माइंड में तो कैप्चर हो गया है गाइस। चलो अब चलते हैं केक काटते हैं, बाकी फोटोज आई हुई हैं और भी, अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मैं दिखाऊंगी कुछ कुछ फोटोज जो मैं नहीं अपलोड कर पाई या फिर बाद में देखूंगी कभी अपलोड करना होगा तो, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ अपलोड कर चुकी हूँ, तो बोर हो गए होगे तुम, मेरे को ऐसा फील हो रहा है गाइस, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मेरे को पिंपल भी आ गया बहुत सारे नए मेकअप से। चलो अब चलते हैं यार, बहुत ज्यादा बोल लिया, चलो गाइस ये केक हमने मंगवाया था एनिवर्सरी के लिए, बट हम भूल गए कटवाना, तेरे अभी तक कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, हमने कटवाना भूल गए, मम्मी अब काटना है, अब नहीं काटना है, क्यों भूल गए, अब नहीं काटना है, अब रिंग हो गया, अगले साल के उस पे काटेंगे, भैया बहुत सुंदर केक है, बहुत अभी दिखा रहा हूं, दिखाओ आंटी, मैं दिखाऊंगा, दिखाओ, ओवरऑल गलती किसकी है, गलती है यार, मेरे पास 100 काम थे, मैं भूल गई, आंटी के लिए तो सरप्राइज रहा होगा, और क्या मिस हुआ है, सब कुछ मिस हुआ, वो तो बता, नहीं रिंग हो गया, जयमाल होगी, केक मिस हो गया, क्या कर सकते हैं, अभी काट लो पापा, काट लो, अरे हाथ से मम्मी, रुको रुको, 25 साल झेलते हुए बीत गए, 25 साल हो गए झेलते, ये क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं भी, नहीं भी कुछ बोल रहे हो, बोल रहे हैं तो झेलना झेलना, कुछ कह रहे थे इतना ही सुनने में आया, उसका नहीं पता, अब देख लो 25 साल से कौन किसको झेल रहा, काटो भाई, मैं भी तो झेल ही रही हूं ना, काटो भाई काटो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कोऑर्डिनेशन नहीं है, 25 साल हो गए, चलो 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 कोशिश करो, ये मेरी मौसी है, इन्होंने मुझसे कल कंप्लेन करी है कि शादी वाले व्लॉग में ये नहीं थी, तो देखेगी नहीं आज के बाद, अरे गिर क्यों रहे हो, मम्मी का गुस्सा है, अच्छा मम्मी कह रही गिरी हुई हो, नहीं गिरी हुई नहीं, थोड़ा सा गुस्सा थी, अब मान गई, अब मान गए, तो जो
जितने भी मौसी के घर से देख रहे हैं, मौसी भी आ गई है ब्लॉग में, यही चाहिए था ना? यही चाहिए। अब खुश हो? मैं खुश हूँ। देखिए कल वाला ब्लॉग देखो। मम्मी कह रही अभी मैं एक बात कर रही थी वो मजेदार था, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा, अभी दोबारा कर लो वो बात। यार कुछ नहीं करना। नहीं, तूने मशीन क्यों नहीं चालू किया? ये मजेदार बात थी, ये तुम्हारी मजेदार बात थी। सुनो मेरी बात, फंक्शन हो गया, अब लाइमलाइट गई तुम पे से, मजा आया ऐसे? हाँ बहुत मजा आया। अरे हैंग हो रखा है क्या? इधर आओ भाई, क्या कर रहे हो? नमन की मम्मी का सरप्राइज कैसा लगा? आंटी ने हमें बोला था कि वो नहीं आ पाएंगी, मतलब उन्होंने जानबूझ के बोला था, एंड देन सरप्राइज किया था नमन ने, मम्मी ने भी, एंड क्या नाम है अभिनव ने भी। अभिनव डीजे सुनो, मुझे भी दिन तक सुबह तक पता चल गया था, मैंने ब्लॉग में बोला है कि सरप्राइज है अगले, मैं बताऊंगी, फिर मैं बताना ही भूल गई। हाँ उस टाइम डाला था, उसमें अगले दिन डाला था, बट ठीक है, बहुत ज्यादा सबने इतना डांस किया, मम्मी ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। या तो दूर रहेगा या मैं रहूंगी, क्या चला जा वरना मैं नाच नहीं पाऊंगी। और मैं तो कैमरा में घुसी हुई थी, मेरी एक वीडियो दिखाऊंगी तुम पागल हो जाओगे। मेरे आस पास के सारे डर के भाग गए कि लड़की पागल है क्या। मेरे को तो ये हो रहा है कि रिश्तेदारों ने देखा होगा। मासी पता क्या कर रही है? क्या ये नाचने वाले पगले आज हम बन गए? मेरे बाल बुरे, सही बात है, बट बहुत मजा किया। मम्मी इसी को तो बोलते हैं मजा करना। अभी तक हमारे गाइस जूते यहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा घर थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि हम नहीं, अभी हम होश में आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब कोई मजेदार बात बचिए ब्लॉग में करनी। बाय गाइस, वो वाले मामा नहीं आ पाए तो इस बार हम दूसरे मामा लाए हैं, बहुत अलग अलग मामा रखे हुए हैं हमने। आपका नाम क्या है मामा? मेरा नाम अशोक सिंह। क्यों ऐसे टैटू दिखाना? जब मामा ने टैटू बनवाया था तो बाइसेप्स बड़े थे गाइस, अब छोटे हो गए हैं तो टैटू सो वो हो गया, ऐसे सिकुड़ गया है, अब ऐसा लग रहा है बस सांप घूम रहे हैं। ओ अभी ठीक है, जिम जाते हो क्या? जिम जाता हूँ डेली। डेली मैं भी डेली जाती हूँ। और टैटू बनाना है इस बार, ये रिंग यहाँ पे, अगर ऐसा बन गया रिंग हाँ तो मेरे साथ बात मत करता। क्यों? नो, ये रिंग तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने सबको देखा। नहीं नहीं, अच्छा कैसा रिंग? एक रिंग आता है सिर्फ, एक रिंग, सिंगल 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 पतला, ज्यादा मोटा भरा हुआ ना। अभी इस बार बना के जाओगे? यहाँ बहुत दर्द होता है, यहाँ बहुत पेन होता है। कोई नहीं, यहाँ मेरा एक छोटा सा पर का बर्थ डेट है, देखा होगा ब्लॉग में, देखा होगा 12-12 मेरा लिखवा लो 19-7। चलो आप कल के ब्लॉग में आना। बाय। सुन रहा तूने बहुत, इसने बहुत मेहनत करी ना, तूने बहुत मेहनत करी है ना, इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, क्या डर क्या रहा है बोलना? यही खुश हो रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, आग बंद कर फिर। मेरे बैंक से ना गया होगा। आग बंद कर फिर, तेरे बैंक से गया, आग बंद कर, आग बंद करियो। एक मिनट रुक, मेरा गिफ्ट मिल नहीं रहा, रुक 2 मिनट, आग बंद कर, मैं आ रही हूँ, गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। ये ले सोने का सिक्का, चॉकलेट वाला में। हाँ। चल होगी। ये इस तेरे को डर लग रहा है, तेरे बैग से कुछ ना ले लिया। ये ट्रांजैक्शन लिखा था मुझे, फिर याद आया तो मुझसे ये ना लिखा था। मेरा सुनो, इसका आप रिजर्व कर दिया, बहुत आपने पता बहुत मेहनत की थी, अब बस बैठी हुई थी होटल में। ओ ये तो बोल मत दियो, यही पीट डालूंगी, पूछ लियो आंटी से। अब बस बैठी हुई कुछ भी, पर मेरे साथ मेहनत किसी ने की, ये मत बोल दियो। हाँ जा, ठीक है, बस मॉनेटरी टर्म्स पे इसने मेहनत की थी। मॉनेटरी टर्म को लाने में मेहनत किसने करी है फिर? ठीक है, उसके बाद केक को बिठाने में लिस्ट लिखवाने। केक क्यों भूल गया? केक भूल गया भाई, इसका टैटू देखे ऊपर, किसका टैटू? पहले ना भारी था, अब ना पतला हो गया, तो टैटू हो गया। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सब बहुत थके हुए हैं, इवन पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज्यादा काम हो गया था, उन्होंने बहुत ड्राइव किया गाड़ी, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, तो उनको थोड़ा सा फीवर है अभी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए पूरे, मतलब मुझे इतने मैसेज आ रहे थे कि ब्लॉग डालो, ब्लॉग कब डालोगे, ब्लॉग कब डालोगे फंक्शन का, बट थैंक यू सो मच। So rock, spent more than she made, now she doesn't like what she bought, stressing over the luxurious things, but all the diamonds in the world doesn't make up a queen. Call me 19 times tonight, don't tell me you're fine, you got a beautiful smile.
but a perfect disguise. Said you gotta pay rent and the money ain't on time, and your man just left and didn't leave a dollar sign. Well, you know I got it, I'm on it on what you need. You say your life is a movie, I guess you're needing a lead. Now I can play the part, stay your heart, wait and you'll see. So tell me girl, who finna fit the part better than me? Lois Lane, I'm your Superman, promise I